चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियाई रेडियस, देन द कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, मान लो n ड्रॉप्स हैं, कितने n ड्रॉप्स हैं, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बड़ा ड्रॉप था जिसका रेडियस कैपिटल R था, और ये छोटा ड्रॉप है जिसका रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, और ये डिवाइड हो गया, इसका चार्ज था कैपिटल Q, इस पे सब पे स्मॉल Q चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू n इंटू Q होगा पहली बात, और इसका रेडियस कैपिटल R है, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा इन सब का मिला के उतना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा बड़े वाले का, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा, क्योंकि स्फीयर है और इसमें n छोटे छोटे स्फीयर हैं, तो n इंटू 4/3 पाई R क्यूब होगा, होगा 4/3 कटा, R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू R क्यूब, या R इज इक्वल टू R इंटू n पे पावर 1/3 होगा रेडियस। ठीक है, बड़े वाले का, ठीक, तो रेडियस छोटे और बड़े में ये रिलेशन हो गया। अब कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है 4πε0 R होता है ना, याद करो स्फीयर का, तो अगर बड़े वाले के स्फीयर का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय छोटे वाले स्फीयर का कैपेसिटेंस को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4πε0 कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4πε0 स्मॉल R, 4πε0 कटा C कैपिटल C अपॉन स्मॉल C इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल R, अगर कैपिटल R अपॉन स्मॉल R यहां से n पे पावर 1/3 है तो ये भी तो n पे पावर 1/3 होगा, तो कैपिटल C अपॉन स्मॉल C इज इक्वल टू n पे पावर 1/3 होगा। आपको छोटे वाले का निकालना कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, कैपिटल C अपॉन n पे पावर 1/3, कैपेसिटेंस बड़े वाले का कितना है 1 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय कितने ड्रॉप्स हैं n, 8 ड्रॉप्स है ना, 8 बोल रहा है, n की वैल्यू 8 है, 8 पे पावर 1/3 कितना होना चाहिए बताओ भाई, 1/8 का पावर 1/3 कितना होगा, 1/2 होगा ना, ये 2 हो जाएगा, 1/2 माइक्रोफैराड, सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।